Assalamu alaikum and good evening, Pakistan. This is Faisal Kapadia and with me is Zawab Alvi for Out of Bounds. And our discussion today is going to be based on a very interesting technology that's been developed. And why don't you tell us about that? At the Islamabad Innovation Lab. Uh-huh. This last show we discussed about the overall concept of Islamabad Innovation Lab, which हमारे उसकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है. यू कैन लुक यूज दैट रिकॉर्ड्स एज अ बैकअप. या बैकअप. अच्छा, ये जो द ग्रुप दैट वी वर इन, दैट आई वाज इन, वाज डिजाइन्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मेरा वोट मेरी ताकत. अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ वी ब्रेनस्टॉर्मड 7 or 8 डिफरेंट आइडियाज. अल्टीमेटली द ग्रुप ऑफ 7 or 8 पीपल दैट वर देयर decided कि ये this was more passionate and more closer to that. तुम बार बार उसको defend क्यों करते हो, मुझे बताओ ना project क्या है. हाँ, project सात लोगों ने किया, मैंने अकेले नहीं किया. कौन बोला तू नहीं किया, बता ना प्रोजेक्ट क्या. जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात बता क्या है. अच्छा, तो द प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज बेसिकली वोटर अवेयरनेस कैंपेन. वोटर अवेयरनेस में थ्रू SMS बेस्ड, वी थॉट द स्टैटिस्टिक्स वर एज यूजुअल अलार्मिंग. 36 million पीपल आर ऑफिशियली नादरा रजिस्टर्ड वोटर्स. दैट्स इट, 36 million पीपल. दैट्स ऑफिशियल नादरा की लिस्ट. अभी कम नहीं है ये बहुत. वही तो मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल एंड आप विकिपीडिया देखिए, मेल फीमेल कंबाइंड अबव द एज ऑफ 17 or 18 का होना है, तो देयर अबाउट 99 million पीपल, 92 million. एंड देयर इज आल्सो एन इशू ऑफ ये जो यंगस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, राइट. आई विल गेट टू दैट. अच्छा, व्हाट हैज हैपेंड इज नादरा हैज गिवन अ लिस्ट जिसमें 36 million पीपल है, जिसमें वो भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 36 million निकाल भी दिए थे, वोट बोगस एंड फ्रॉड वोट्स निकाल दिए. अच्छा, 36 million ये रही. और ऑफिशियली मेल फीमेल combined in Pakistan should be about 92 million people. That means you've got a discrepancy of 56 million people who are not in the election system. Yeah, वो वोट देने नहीं जाते. इसलिए नहीं, election process में वोट देने की तो बात दूर है. अच्छा. Election process में उनको कभी register ही नहीं किया गया. Election Commission Pakistan register नहीं किया. क्यों? अच्छा, वो इशू ये है कि यू हैव टू फिजिकली गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ वर्सेस द फैक्ट कि नादरा ने इतना अच्छा डेटाबेस अगर बनाया है, इतनी मेहनत करके आईडी कार्ड. एनी गाय विद एन 18 प्लस शुड हैव एन आईडी कार्ड. अच्छा, ये सिस्टम क्या करता है आपका? सिस्टम जो कर रहा है, इट्स टारगेटिंग द 56 मिलियन पीपल, ठीक है, एंड द एंटायर, बिकॉज वी गॉट 99 मिलियन, कोई भी 99 मिलियन सेल फोन्स, एंड यू कैन टारगेट ऑल द सेल फोन्स एज यू वांट. अच्छा, द सिस्टम एक्चुअली, आवर गोल वाज नॉट टू ब्लास्ट पीपल विद सिंपल SMS, वाज ट्राई टू एंगेज इन अ डायलॉग कि आप वोट देना अच्छा, मैं ये सिस्टम यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा. मॉडल वी डिजाइन टू मॉडल्स एंड वी वेंट थ्रू, एंड उसका प्रोसेस प्रॉब्लम ये था कि फर्स्ट मॉडल वी डिजाइन वाज एन ओपन सोर्स फ्रंटलाइन SMS के बेस पर. फ्रंटलाइन SMS आई हैव यूज्ड इन द पास्ट, सो आई वाज गुड एट इट, न्यू व्हाट द टेक्नोलॉजी वाज, सो वी इमीडिएटली जंप्ड इनटू दैट. डेवलप करने में प्रॉब्लम ये होती थी कि उसमें लिमिटेशन आ जाती थी. एक, द सिस्टम इटसेल्फ, ओपन सोर्स सिस्टम कैन नॉट टेक, उस ज्यादा नहीं ले सकता, अबाउट 1 SMS एवरी 10 seconds भेज सकता है. तब मीन्स अगर 1000 लोगों को भेजना है तो वो आपको 4 घंटे में भेजेगा. तो आपको अगर ब्रेकिंग न्यूज़, लेट्स गिव एन एग्जांपल, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने भेजनी है, कराची में बम फटा है. अच्छा, उसका 4 घंटे बाद फैसल कबाड़ी को मिलेगा, क्या यार ये तो पुरानी खबर, मुझे अभी क्यों भेज रहा. ये सिस्टम जो कर रहा है कि ये सबसे पहले इट यू SMS अ नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर यू से वोट is a keyword trigger, vote, and it bounces back a question saying welcome to mera vote meri taakat. You know aapka ye haq hai election mein vote dalna. To agar sabse pehla sawal jo aapse pucha ja raha hai wo ye hai ki aapka ID card hai ya nahi. Theek hai, ID card registration naturally fundamentally. Agar mera ID card hai to fir kya matlab hai? Agar hai to aap next question aapko aata hai ki आपको पता है कि वो आपको, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आपको रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए. आपके नहीं, क्या मैं रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ इस सिस्टम के थ्रू? इस सिस्टम के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती. क्यों? बिकॉज उसमें यू नीड वेरिफिकेशन, इन द सेंस कि यू नीड फिजिकल वेरिफिकेशन कि बंदा है भी नहीं है. आप रैंडमली रजिस्ट्रेशन अभी भी उसी तरह करानी है जैसे पहले होती है. यस, आपको फिजिकली जाकर किसी सिस्टम का फायदा क्या? नहीं नहीं, अब द रीजन इज कि ये आपको वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, ये एजुकेशन अवेयरनेस की बात है, ठीक है. वो मुझे फिर क्या बोलेगा बताएं? फिर उसके बाद वंस यू से नो यू नॉट रजिस्टर्ड, डोंट नो इफ यू रजिस्टर्ड, तो वो कहते हैं आपको पता है कि आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाना है, दफ्तर का नंबर दिया हमने. इट्स अ रिमाइंडर, इट्स नॉट, इट्स स्टिल इन एक्सचेंज गोइंग ऑन, स्टिल दफ्तर का नंबर दिया. अगर आपको अपने इलाके का दफ्तर का एड्रेस पता चाहिए तो आप
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा 1, 2, 3, 4 एंटर करें, आपने सिंध एंटर किया। फिर आपको अगला सवाल भी पूछेगा, इट विल प्रॉब्ली गिव यू 5 सिटीज़ नेम, कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और ठट्टा, ऐसे हमने इनिशियल रखा। और फिफ्थ सिक्स अगर करेंगे तो अदर्स, अदर्स में मज़ीद और हमने लिस्ट बनाई होती कि कहाँ कहाँ, कराची आपने किया, कराची का आपको लोकल इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान का एड्रेस, अच्छा क्या मुझे ये बताएगा कि मुझे किधर जाके मैं वोट दे सकता हूँ? अच्छा उसका ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हैज नॉट, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है ना ये, लोगों को ये नहीं पता होता कि वो किधर जाके वोट दे। इलेक्शन कमीशन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बहुत क्लोज अभी भी सिस्टम रखा हुआ है, क्लोज कि हम बता भी नहीं, देर नॉट इवन टेलिंग के फ्यूचर प्लान्स क्या। अच्छा उसमें क्या है, क्लोज क्यों है इतना यार, सीरियसली इट डजंट, ये अभी भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अगर आप लिस्टें बाहर लगी हुई कहीं देखेंगे, इट इज प्रिंटेड लिस्ट, दे आर नॉट इवन गिविंग यू डिजिटल कॉपीज, मगर इनके पास तो पूरा डिजिटल डेटाबेस है यार। ये आप अब खरीदे जाएंगे, मैं खरीदने गया हूँ पीटीआई के लिए, है ना, आई हैव टू पे हर प्रोविंशियल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के, आई हैव टू पे अबाउट 35,000 रुपीज फॉर एवरी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या मसला है आपके, मैं ये बताऊँ, आप पूरे पाकिस्तान के लेने जाएँ, है ना, यू एंड अप पेइंग अ लॉट मोर मनी, जो फ्री डेटा मौजूद है, जो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप प्रिंट दें, तो यार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने पास एक्सेस तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी व्हिच इज मिसिंग, शुड बी। देखो डिजिटल डेटा मौजूद है नादरा के पास, अरे नादरा को वो आपको एक्सेस नहीं दे रहे उसको, वो एक्सेस देखो हर दुनिया भर में एपीआई कॉल्स होती हैं ऑन कंप्यूटर, एपीआई कॉल भेजता है एंड इट गिव्स यू यस और नो रिस्पांस, इट इज एज सिंपल एज एन एपीआई कॉल, जो वो एपीआई कॉल सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट, ज़्यादा इशू नहीं। पिछले साल उन्होंने, पिछली दफ़ा 2007 में किया था, उन्होंने कनाडा में होस्ट किया था, mehndi.com एक वेबसाइट थी जिसके, जिनके सर्वर्स पर ये होस्टेड था, इमेजिन यार, इमेजिन पूरा 187 मिलियन पीपल वर एक्चुअली बीइंग होस्ट, उनका इलेक्शन कमीशन वाज होस्टिंग इट ऑन mehndi.com इन कनाडा, सो कहते सिक्योर यहाँ नहीं वहाँ ज़्यादा सिक्योर। अब इमेजिन कर ओपन ट्रैफिक फ्रॉम हियर टू ऑल द वे टू कनाडा, हर दूसरा गवर्नमेंट उस ट्रैफिक को पढ़ रहा है कि ये जाना, तो मगर ये कम से कम हमारे सारे रिश्ते हो गए होंगे। अच्छा ये मुझे बताओ कि अच्छा तो ये एपीआई तुम्हें एक्सेस मिलेगी नहीं, तो तुम ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते, आगे नहीं हो सकता। जब मैं बोलता हूँ आपको पता, एड्रेस पता दे दिया, तुम्हें लगता है देंगे, ये देंगे, नहीं दी तो, नहीं दी तो प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, जो हमारे, जो हमारा मॉडल जो है, मेरा वोट मेरी ताकत में, हमारा इंटेंशन ये है कि इलेक्शन कमीशन नहीं दी तो क्या, प्रेस क्लब के पास जो आपकी फेवरेट कुर्सी है उधर जाके बैठ जाएंगे, वो मेरी कुर्सी मैंने रिफर्बिश करवा रहा हूं, कुछ रिफर्बिश तो होनी चाहिए, पैसा बहुत आ रहा है बड़ा है? मैं जिससे बात करता हूं उसकी बीवी जो है पीटीआई की मेंबर बनी, ये वैसे बड़ा खुश मौसम कर यार, ये पुराना मुझे याद है 5-6 साल बाद आई नॉट दैट आई एग्री विद जो हो रहा है, कराची नारा था जय महाजन, मैं तो अभी भी वही नारा लगा, अब ये हां मगर अब ये हो रहा है कि अब कराची में ये आ रहा है देखो यार, एवरी अदर पर्सन यू मीट इज अ पीटीआई सपोर्ट दैट, एवरी अदर पर्सन आई मीट फ्रॉम दैट वन पर्सन स्टार्टअप सोसाइटी, दैट्स इवन अ बिग डिफरेंस, एवरी कन्वर्सेशन यू हैव विद एनीवन, अच्छा मूविंग ऑन सिस्टम यार, स्टॉप स्लोगनेरिंग फॉर गॉड्स सेक्स, हर जगह इलेक्शन कैंपेन अपना शुरू कर देते हो, आपके बैनर्स का तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यार वो छोड़, अरे आइए आज मेरा वोट मेरी ताकत तो चला, अब तो जा रहे हैं मेरा वोट, तो व्हाट अल्टीमेटली इज के बिफोर द इलेक्शन कम्स या अभी एज सून एज यू गेट इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के साथ लिंकेज में, तो वो भी वांट कि आप उसको एसएमएस करें अपना आईडी कार्ड, ठीक है, हम एपीआई कॉल ओरिजिनेट करें कि भाई इज दिस आईडी कार्ड रजिस्टर्ड टू वोट और नॉट, यस एंड नो, और आपके पास आ जाए। अच्छा व्हाट यू कैन एक्सप्लॉइट द सिस्टम इन वन वे कि आप 10 लोगों के आईडी कार्ड चेक करते हैं, मैं ये सोचा था, है ना, अगर 10 लोगों को करने जाएंगे तो दैट यू हैव टू पुट सम बैरियर्स ऑन दैट, यू हैव बिकॉज़ तुम्हारी कोई मतलब एक मैं बात कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस सिस्टम को मिसयूज करना चाहे तो वो 1.5 लाख लोग मिसयूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर एपीआई कॉल्स की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। अच्छा तो ये जो इनिशिएटिव है इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? फाइनेंस अभी तो जीरो फाइनेंसिंग, ठीक है, बट द प्लान ऑफ द फ्यूचर प्लान इज द फैक्ट कि तुम्हारे पास जीरो फाइनेंसिंग है, नहीं जीरो अभी इनोवेशन लैब जीरो फाइनेंसिंग, बट द मॉडल इज कि हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नादरा को अप्रोच करोगे, फैफन फ्री एंड फेयर इलेक्शन पिलडॉट पाकिस्तान लेवोट, आई एम फॉरगेटिंग दैट पिलडॉट है या इट्स नॉट इनोवेशन बट द फैक्ट कि हमने पिछले उसमें क्वेश्चन था कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग इनोवेटिव। It's not innovation, but the fact that I maintain that. But सारी देखो जो ideas society में present हैं
ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको तुम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट किया है. दैट्स ऑल दैट्स हैपेंड व्हिच इज अ गुड थिंग आल्सो. आई एग्री विद दैट. होना चाहिए विद टाइम, इंशाल्लाह विद टाइम यू हैव मोर ऑफ दिस थिंकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, इंशाल्लाह यू विल हैव an idea of ke aage kya karna hai. And we are going to feature more initiatives from the innovation lab. That's what we have decided ke, you know, co exposure de ya na de hum denge. Acha nahi, in fact agar acha project we should actually carry it taki ke aur to kisi ne dena nahi hai, wo do hafte baad sab bhul jayenge. Ultimately this should happen ke inko exposure one step after at time le, and hopefully innovation lab will come out. Acha ek hamara jo problem tha frontline sms ke sath jo hamara problem tha wo limitations thi. We went to Pring. Spring is imtiaz. What is Spring? ये भी बता दो क्योंकि general public को नहीं पता. Spring is an SMS gateway. Is a group net group SMSing network. जिसमें you SMS 9900 and you join. It's almost like Twitter, but on the fact that local network पर enabled है. It's a free SMS when you send it and you receive free SMS. You can send as many SMS. Back. Was Rehan Allahwala also using the system for the Twitter application? वो Twitter का अलग कर रहा था. He was वो उसका number मैं भूल रहा हूँ. Twitter 40404 हाँ. उसका वो Twitter से link. So anybody can make a project developed on Pring? Absolutely. Absolutely. Project जो हुआ ये था the advantage that we had वहाँ जो बैठे थे इम्तियाज न्यू कि इसका Pring का business model का पीछे backend कैसा है and you can design service. I didn't know it was that simple. When I went in and it was just simple thak aap uske ek question likhe 1 2 collaboration helped. That's what I believe, that's the best part of having innovation labs ke aap logon ke aas paas baith ke brainstorm karke someone pitches an idea and to an extent an exchange. Aap India se ki shehar mein rehte hain yahan pe nahi rehne ka 10 minute dur but nahi rehte hain but for us to think about what are wo jab Marriott mein rukaya jata hai aur nashta khilaya jata hai to jab hi to brain on hota hai. ये दिल की बात कही है. हाँ उस वक्त उसके बाद अचानक ये तो बताओ कि आधे लोगों को मैरियट में ठहराया, आधों को गेस्ट हाउसेस में फेंक दिया. ये टीयर यार ये मुझे सोशल मीडिया में ये भी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी. तो क्या है तो शर्मिंदगी होती है तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते वहाँ पे ऐसी चीजें. मैं बाहर रह जाता क्या? नहीं तुम बोलते मैं भी गेस्ट हाउस में जाके सोऊंगा मेरे बडीज के साथ सोशल मीडिया के. जब कोई ख्याल नहीं आता नहीं जब नहीं ख्याल. चलो ऑलराइट ओके वाइंडिंग अप द आउट ऑफ बाउंड शो ऑन मेरा वोट मेरी ताकत फ्रॉम द इनोवेशन लैब एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल नीचे है. वी वुड लाइक ए फीडबैक इफ यू वांट टू कम ऑन अ शो और यू हैव क्वेश्चंस. If you disagree with Faisal Kapadia and agree with me, you do also. Yeah, please disagree with me because I think that whenever somebody gives me a gali, I've done something right. Really? Yeah, do. हाँ बिल्कुल. और फिर वापसी में जवाब भी सुन लीजिएगा. Thank you. Thank you.